मुझे फुल बेड रेस्ट के लिए बोला था लेकिन मैंने नहीं माना, मिसकैरेज हो गया। टेस्ट करवाने के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा, और मैं इसको इसलिए डांटता हूँ क्योंकि मुझे और इसे पता, मेरी फैमिली को पता है क्या क्या चीजें प्रॉब्लम है। अब नहीं होनी चाहिए, पहले तो बोलते किट्टो प्रेग्नेंट है, बताते नहीं। तो भाई हमने बता दिया है तो हम डालेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, अब क्यों प्रॉब्लम हो रही? कुछ लोगों को पता नहीं क्यों हमसे प्रॉब्लम है। फैमिली वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस आ गया हूं मैं ऑफिस से, और ऑफिस से आते ही आज खो सोया किट्टू, और नहीं सोए हैं। मैं फोन किया तुम सो रही थी उस टाइम, बहुत देर ना क्यों उठ रही है क्या सुबह से 5 बजे, उसका फिर मेरे लिए बना रही है चाय। हम पता है आप लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हूँ, आप लोगों से नहीं कुछ लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। तो नाराज किसका हुए? नाराज हूँ किट्टू क्योंकि तुमने कमेंट्स नहीं पढ़े हैं, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने पता है यहाँ तक बोला है कि किट्टो जैसा डॉक्टर बोले ना वैसा ही करना चाहिए। एक लेडी ने कमेंट किया, भगवान मतलब मैं ना उनके कमेंट्स पढ़ कर इमोशनल हो गया बिल्कुल ही। अगर उनका कमेंट अगर देखेगा मैं फिर से लगा दूंगा स्क्रीन पर, आप लोग देख लीजिए। उन्होंने बोला कमेंट में कि भैया डॉक्टर ने मुझे फुल बेड रेस्ट के लिए बोला था लेकिन मैंने नहीं माना, सब मुझे बोलते थे ऐसा कुछ नहीं होता है, काम किया करो, काम का जितना काम करोगे उतना बच्चा नॉर्मल होगा, डिलीवरी नॉर्मल होगी। और बोले थी मैं भैया किसी का नहीं सुनी, और मैं ना खूब काम करती थी, मतलब होता ना कि जैसे डॉक्टर मना करता है वेट मत उठाओ, ये सब चीजें मत करो, उन्होंने वो सब गलती कर दी और उनका मिस कैरेज हो गया। तो ये सब चीजें मतलब थोड़ा सा हार्ड हो जाती है। और मैंने अपने वीडियो में आपको कितना भी बोला है मेरे से जितना हो सकता है, मैं झाड़ू पोछा इनको सुबह वाले वीडियो में नहीं बोला था ना किट्टो कि तुमको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला, तुम रेस्ट करो जाकर, मैंने बस इतना ही बोला था। और कुछ लोगों को मतलब मैं क्या बोलूं, कुछ लोगों को पता नहीं है ना कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ छोड़ो, लेकिन यार डॉक्टर से बढ़ के कोई चीज है? डॉक्टर जो प्रॉपर एक एक चीज का मैं बता रहा हूँ, मैंने 50 से 60 हजार रुपए उससे ऊपर ही खर्चा कर दिया होगा, किट्टो का एक एक चीज टेस्ट हुआ है। और जितनी बार जाता हूँ कुछ ना कुछ चीजें टेस्ट करवाती रहती है क्योंकि इसको कुछ इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर रिस्क नहीं ले सकता है। और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ भाई, मैं जब सच्चा हूँ चीजें टेस्ट करवाने के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा। और मैं इसको इसलिए डांटता हूँ क्योंकि मुझे और इसे पता, मेरी फैमिली को पता है क्या क्या चीजें प्रॉब्लम है। अब जिन लोगों को प्रॉब्लम पता नहीं होती ना, वो कमेंट सेक्शन में आगे कुछ भी उल्टा पुल्टा किट्टो को लेकर के लिख देते हैं, इसी बात से लेकर के ना मुझे हर्ट होता है क्योंकि फिर आप लोग बोलते हो कि भैया आप कमेंट को इग्नोर करो, हम कमेंट को इग्नोर करते हैं। जब हमने बेबी रिवील किया था उस टाइम भी मैंने कमेंट्स को लेकर के ही बोला था, कमेंट को हम बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों को लेकर के कोई बात बोलता है ना, हमारा जो भी दुनिया में नहीं आया उसको लेकर के जब कोई कुछ बोलता है तो बहुत हर्ट होता है। पहले भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोले लेकिन अभी अजान शुरू हो गया, हम लोग कुछ देर बाद मिलते हैं, अजान खत्म हो गया। तो हम लोग बात करते हैं प्रेगनेंसी, हम लोग देखो हम इस प्रेगनेंसी टाइम को पूरा एंजॉय करें। अब कुछ लोगों को तो मेरे इस बात से भी प्रॉब्लम है कि मैं अपनी वीडियोस में प्रेगनेंसी टाइटल क्यों डालूं। अरे भाई क्यों नहीं डालूंगा, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और हम लोग इस पल को कॉल आ गया तो मेरा फोन रुक गया, तो मैं कह रहा हूं भाई हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने इस चीज को भाई। हम आज से 5 साल बाद 10 साल बाद 20 साल बाद जब तक हम रहेंगे तो हम जब भी वीडियो सर्च करेंगे तो हम ये टाइटल डालेंगे तो हमें वीडियो मिल जाएगी भाई, हम इसलिए डालते हैं। और आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पहले तो बोलते किट्टो प्रेग्नेंट है, बताते नहीं। तो भाई हमने बता दिया है तो हम डालेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, अब क्यों प्रॉब्लम हो रही? कुछ लोगों को पता नहीं क्यों हमसे प्रॉब्लम है। तो चलो जिनको प्रॉब्लम छोड़ो, जिनको हमसे प्यार है हम उनके कुछ कमेंट्स दिखाते हैं, उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए। एक ने कमेंट किया कि दीदी मैंने अपनी प्रेगनेंसी के नौ महीने मैंने फुल बेड रेस्ट किया, डॉक्टर मुझे फुली बेड रेस्ट हो रहा, मैं सिर्फ नहाने के वॉशरूम के लिए उठती थी और खाने के लिए उठती थी, मैं फुल बेड रेस्ट करती थी। उनका कमेंट भी दिखाता हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो बहुत प्यार भरे भी कमेंट्स आए किट्टो की प्रेगनेंसी को, बहुत ज्यादा लोगों ने केयर भी किया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए कि किट्टो दीदी आप ये करिए वो करिए जो आपका मन करिए, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बेस्ट विशेज दिए। लेकिन उसमें जो दो चार आ जाते हैं ना फिर वो हर्ट होने लगता है। देखो हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, तो हम नहीं चाहते कि हमारा कोई कभी दिल दुखाए। और मतलब हमारी बेबी को लेकर के, हमारी किट्टो की प्रेगनेंसी को लेकर, तो मैं किसी भी तरीके का उल्टा पुल्टा कमेंट बर्दाश्त ही नहीं करता। मैं तो कितने लोग को मैंने ब्लॉक मार दिया। देखो हमें ऐसे लोग का जरूरत ही नहीं है जो हमारे सुख और दुख में साथ न दें,
ठीक है, हम उन लोग को लेके चलते हैं जो हमारे सुख और दुख में हमेशा साथ खड़े रहे। हम कोई अच्छा चीज करें उसमें भी, देखो जिसको बुराई निकालनी है ना वो कितना भी हम अच्छा कर देंगे उसको, किटो ने एक बार साड़ी का वीडियो डाला तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम तो खत्म ही नहीं होगी। चलो भाई चलते हैं, चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग उसको चेयर के बाद। तो क्यों वही टॉपिक लेकर घूम रहे हैं? टॉपिक लेके बोल नहीं रहे, अपसेट क्यों है आप? अपसेट मत होइए, देखिए हमारा क्या काम है। मोमोज खाए हैं? मोमोज खाए? मोमोज कौन खाया है? मैं तो आ रही थी। मैं और ऋषभ दोनों को आ रहा है। हम लोग नहीं खाए, बाहर का सामान नहीं खाते जल्दी। अब तो आप लोग क्यों ऐसे कमेंट कर रहे हैं गाइस? क्यों पति देव को मेरे अपसेट कर रहे हैं? जल्दी ये होते नहीं है। नहीं, अपसेट वाली बात नहीं बात है। देखो कोई जो भी इस दुनिया में नहीं आया उसको भी लेकर कोई एक एक ने जितना गंदा किया ना, मैं मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ उसको, मैंने तुरंत ब्लॉक मारा, उसके कमेंट को उड़ा दिया। मतलब वो ऐसा कमेंट है कि मैं मतलब स्क्रीन पे भी नहीं दिखा सकता हूँ। मतलब इस लेवल का कमेंट है, इतनी मतलब गंदी सोच, इतनी नीची सोच, ऐसे सब्सक्राइबर मुझे चाहिए ही नहीं यार। मुझे देखो हम सीधे साधे लोग हैं, हम सीधे साधे लोग हैं, सीधे साधे लोग ही हमें चाहिए। सबका बॉडी नेचर एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। नहीं समझ रहा है ना इन लोग, ये चीज नहीं समझ रहे हैं। तुम्हारा गाल फूल रहा है, तुम मोटी हो रही, तो लग रहा है कि नहीं किट्टो बहुत स्ट्रांग है। जो कुछ लोग नहीं, डॉक्टर तो खुद ही बोल रही है कि मैं तो, मुझे पता नहीं मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ। डॉक्टर ने काम करना स्टार्ट किया था, डॉक्टर ने फिर तुम्हें क्या क्या तुम्हें वार्निंग दी, बोले कि या तो काम कर लो या तो बच्चा अगर बोली चाहिए। नहीं बोली, देखिए बच्चा ना बहुत किस्मत से सबको मिलता है, और ये चीज मैं एहसास कर रही हूँ कि सच में मुझे कितना मेहनत से मिला है वो तो मैं ही जानती हूँ। वो मैं ही जानती हूँ कि मुझे कितना मेहनत से मिला है, मैंने क्या क्या किया है इसके लिए, बहुत सारी चीज़ें की है। और उसके बाद जब आया दुनिया बच्चा, जब फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला तो मैं इतना ज़्यादा मेरे इमोशनल हुई थी, क्योंकि बहुत 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 तरह की बातें मैं सुनी हूँ, बहुत बहुत तरह की बातें। तो आप लोग भी अपनी फैमिली समझते हैं तो फिर ऐसी बातें क्यों बोलते रहते हैं कि मैं ही एक प्रेग्नेंट हूँ? ऐसी बात नहीं है। वंदना दी जब वंदना दी ऋषभ पेट में था, एक ने कमेंट किया कि एक तुम्हारी किट्टो ही इकलौती नहीं है जो माँ बनने वाली है। भाई अरे मैं देखो, हम तो ये नहीं कह रहे किट्टो इकलौती है, लेकिन मेरे पास सिर्फ ये है जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली, तो मेरा पूरा फर्ज बनता है, पूरा फर्ज। मतलब मैं अपनी मतलब पूरे जितना मेरे अंदर दम है मैं पूरा लगा दूंगा इसके लिए, तकलीफ नहीं होने दूंगा। देखिए मेरे घर में क्या था, मेरे जब ये ऋषभ पेट में था, उनका जब अल्ट्रासाउंड आया था तीसरे महीने में, तो उन्होंने घर पे मेरे फोन किया मम्मी को, उनको डॉक्टर पूरा फुल बेड रेस्ट बोला था, वंदना दी को भी। मैं आई थी, मैं उनका पूरा सपोर्ट की थी, पूरा खाना पीना, मैं हमने कभी बोला नहीं, लेकिन पता क्या हम इतना करते थे ना, हम लोग क्या बोलते, उनको बेड से उठने नहीं देते, उनके उनके लिए उल्टियां करने के लिए उल्टी इतनी करते थे, उनके लिए बाल्टी ला के रखे थे, बाल्टी हम साफ करते थे, ले जाते थे, चेंज करते थे, इतना सब कुछ किया हुआ है यार। और अगर आपको विश्वास नहीं हो सुनो तो आप लोग को लगेगा कि चलो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, आप लोग उन पे कमेंट उनके पे जाके कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि क्या ये सिचुएशन ठीक नहीं थी, उनको भी डॉक्टर ने फुल बेड, क्योंकि ऋषभ पूरा ना फंसा हुआ था, वो भी उनके भी बहुत सारे लोग, देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं, किसी जॉब में होते हैं, उनका बॉडी नहीं चल रहा है, इंसान का ऐसा होता है, डॉक्टर उनको खुद ही एडवाइस करता नहीं आप कर सकते हैं आप ट्रेवल। मैंने खुद अपने वीडियो में बोला था, जिया ने देखो, जिया की प्रेगनेंसी में जिया ने ट्रेवल किया था, और क्या बोलते मिष्टी, देखो मिष्टी हम लोग के साथ खुद गई थी प्रीवियस शूट पे, इतना सोची उसका नौवे महीना था, बोले कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, मैंने सोचा था कि मेरा नॉर्मल होगा, लेकिन उसका भी बेचारी का नॉर्मल नहीं हुआ, ऑपरेशन से हुआ। फिर जानते हैं जब ऋषभ का ऐसा सिचुएशन हुआ ना, जब तीसरे मंथ में क्या नाम पता चला कि ऐसे ऐसे कंडीशन है उनके साथ, तो मैं उसी टाइम मम्मी ने मेरा टिकट कटवाया, मैं आई यहाँ पे चार पाँच महीने थे, फिर ये मेरे साथ फिर गांव गई थी, गांव में फिर घर में मतलब मेरे मायके गई, मायके में भी हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया, बहुत 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 बहुत। जब जिस दिन होने को था दो दिन पहले गई थी ससुराल में तब बेबी हुआ था। डॉक्टर ने किट्टू को तो एकदम तो गाइस बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम है कि आप प्रेगनेंसी की वीडियो क्यों डाल रहे हैं? अरे भाई हम जब दिवाली होगी तो दिवाली का वीडियो नहीं डालेंगे, रक्षाबंधन है रक्षाबंधन की वीडियो नहीं डालेंगे, तो भाई हमारा ये प्रीसियस टाइम चल रहा है, ये हमारे लिए अनमोल समय है। मैं नहीं डालूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इस महीने में ऐसी सिचुएशन था, उस महीने में ऐसा सिचुएशन था, इस टाइम में ऐसे मैं ऐसे सर्च करूंगी, वीडियो डालते हैं जो हमारे इस चीज को देखना पसंद करते, जो हमें पसंद करते, हम उनके लिए वीडियो नहीं डालते जिनको हमारी सब चीजें नहीं पसंद है। तो
जिनको नहीं पसंद है वो वीडियो नहीं देख सकते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। बस करो, ज्यादा हाइपर नहीं हो जाने दो यार। जो प्यार करते जो देखना पसंद करते उनके लिए डालते हैं ना। अरे पसीना आ रहा है, पसीना बोलते इनके आंखों के नीचे काले पड़ गए। नहीं बाबू नहीं बोला करो, नहीं बोला कभी नहीं बोलते हम लोग। आप लोग ऐसे मत बोला करिए, सबके बॉडी सबके अलग अलग होते हैं। मैंने भी बहुत सारे सबके, मेरी भाभी के दोनों बच्चे पैदा हुए थे, कार्तिक और सोना। सोना भी मतलब कार्तिक भी ऑपरेशन से हुआ था, लेकिन उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, मैं तो खुद कहती हूँ कि यार मैंने किसी को इतना देखा ही नहीं है जितना प्रॉब्लम मुझे हो रहा है। पर मतलब देखो बहुत उल्टी होती थी उनको, उल्टी ही केवल होती थी, लेकिन मेरे को बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम, उनको सिर्फ उल्टी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन उनका बच्चा नाभि में फंसा हुआ था और गले में ऐसे फंसा हुआ था, और उनका बच्चा बहुत उनका ऊपर की तरफ नहीं आया था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उनको बिल्कुल बेड रेस्ट बोला गया था, तब मैं आई थी दिल्ली। मैंने उनका 5 महीने यहाँ से फिर गांव गई, गांव में जब होने को था तो वो गई थी घर ससुराल में। अभी हम लोग किटो कितने क्रिटिकल कंडीशन से निकाल के लाए ना, वो भी आप लोगों से शेयर ही नहीं किया कभी हम लोगों ने, कभी नहीं शेयर किया। नहीं तो मतलब कुछ और होता ना इंसान, मतलब वो तो दिन भर होता था, इतना सिचुएशन खराब था। और बहुत लोग बोलते कि तब जब तुम बताई नहीं थी तब तो बहुत बीमार नहीं पड़ती थी, बीमार मैं रहती थी, लेकिन मैंने आपसे क्यों एडमिट नहीं थे हम एडमिट नहीं थे तो जो इतने दिन एडमिट थी, किस लिए एडमिट थी? जो आप लोगों ने ब्लॉग देखा था किटो तबियत, वो इतनी ज्यादा प्रेगनेंसी में उसकी तबियत बताएंगे क्या प्रॉब्लम था उस टाइम। चलिए बहुत सारी चीज़ें अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज़ जब कोई देखिए आप लोग ना हौसला दीजिए, क्योंकि ये लड़की ना फर्स्ट बार जब माँ बनती है, और मैं फर्स्ट बार ही बन रही हूँ, 10 बार नहीं बनी। और हम अपने इस एक एक पल को एक एक समय को एकदम संभाल के रखना चाह रहे हैं, इसलिए हम अपना और हमारा देखो, हम लोग लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग करते तो हम तो डालेंगे भाई ऐसा ब्लॉग, हम तो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के ब्लॉग डालेंगे। और हम ही क्या, हर एक यूट्यूबर डालता है और हर एक बंदा डालता है जो जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई है और वो अपने इस पल को जीता है। जी हम अपने इस पल को जीते हैं और अपने इस पल में इस सुख में आप सब लोग को शामिल करना चाहते हैं। बस अभी ज्यादा कुछ ही से वीडियो नहीं बना रहे, क्योंकि अभी हम लोग अपने घर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। घर बन रहा है, ये रोज जा रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें ध्यान देनी, पर थोड़ा बहुत टाइम रहता है तो मेरे साथ वीडियो बना लेते हैं। इनको ऑफिस जाना रहता है, आप लोग देख रहे हैं कि एक दिन भी गैप नहीं करता है बंदा, लेट भी हो जाएगा लेकिन तब पर भी ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ का भी करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, मेरा ख्याल करते हैं, फिर बहुत सारी चीजें हॉस्पिटल हर वीक में 10 दिन में हॉस्पिटल लेके जाना, तो गाइस सारी चीजें हैं। तो चलिए मेरे जो दिल में बातें थी मैंने आप लोगों से शेयर की, आई होप कि आप सब लोग, बहुत सारे लोगों को बुरा नहीं लगा होगा। तो देखो मैंने उनके भी कमेंट्स दिखाए हैं कि जो लोग प्यार देते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ जिसने नहीं, मुझे तो बहुत लोग प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ। बस कुछ लोग हैं जो कुछ लोगों की वजह से थोड़ी सी गंदगी फैली हुई है, तो वो सब भी अपने माइंड से निकाल दे भैया, क्योंकि देखिए अब इंसान कभी किसी की तकलीफ तभी समझता है जब उसके ऊपर तकलीफ आई रहती है। शायद उनके ऊपर नहीं आया इसलिए वो नहीं समझ रही है, पर सबके सिचुएशन एक जैसे नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं। आप लोग एक छोटे सा एक बताता हूँ, हमारे ही नोन में है, प्रेग्नेंट थी, 6 महीने में ही डिलीवरी उनकी करा दी गई, 6 महीने में ही। उनको भी डॉक्टर ने बिल्कुल फुल बेड रेस्ट बोला था, लेकिन उन्होंने थोड़ी लापरवाही की, तो क्या होगा बच्चे का हाथ दिखने लगा था, तो इस वजह से उनको 6 महीने 3 महीने उनको उसमें आईसीयू में, बच्चे को आईसीयू में रखा गया। तो भाई हम डॉक्टर के हिसाब से चलेंगे, किसी के कमेंट्स के हिसाब से नहीं चलेंगे, कि कोई भी आकर के चाटो कमेंट्स करके चला जाएगा तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो जो डॉक्टर, इतनी बड़ी डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर बैठी है जिसने हजारों लोगों की डिलीवरी करवा रखी और स्पेशलिस्ट है, वो हमें एडवाइस दे रही है कि आपको ऐसे करना। किट्टो को तो सीढ़ी जीना तक चढ़ने के लिए उतरने के लिए मना गया, बस बोली कि जब आपको डॉक्टर के पास दिखाना है तो ही आना है। जब हम इनको बताएंगे ना मेरे को क्या प्रॉब्लम है, तो ये लोग खुद यूट्यूब पे सर्च करेंगे। जब हम लोग ये सब चीजें बताएंगे तो आप लोग वो सब प्रॉब्लम सर्च करोगे तो आप लोग खुद ही समझ में आएगा। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो ज्यादा बोल दिया हूँ तो इसलिए सॉरी चाहता हूँ। इस वाले ब्लॉग कहीं पे एंड करते, सुबह मिलेंगे नए ब्लॉग साथ। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।